अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे मसाला आमलेट रेसिपी। एक नई रेसिपी लेके आई हूँ गाइस। अगर जो आपका आमलेट पलटते समय टूट जाता है तो आप मेरी तरीके से बनाइए, आपका आमलेट टूटेगा नहीं। चलते हैं गाइस, बना के दिखाते हैं आसान सी रेसिपी। आप लोग बने रहना कंटिन्यू हमारे वीडियो में। देखिए गाइस, आमलेट बनाने के लिए मैंने कुछ अंडे ले लिया। इधर 5 अंडे हैं। इधर 2 बड़ी साइज की प्याज मैंने काटा है, इसको बीच से 2 कर लिया। इसका पीछे का हार्ड वाला भाग निकाल दिया है। ये 4 हरी मिर्ची हैं, 4 से 5 हरी मिर्च हैं। एक टमाटर लिया मीडियम साइज के, छोटा है। थोड़ी सी हरी धनिया लिया है। चलते हैं, सबसे पहले प्याज को काट के तैयार करते हैं। प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, उसके बाद बनाएंगे आमलेट। अब प्याज को काट लेते हैं, बिल्कुल बारीक काटना है। प्याज को मैंने धो के छील के रख लिया था, ऐसे बारीक काटना है छोटे छोटे। प्याज को हमने काट लिया गाइस, दोनों प्याज काट लिया बिल्कुल बारीक। अब इसी में हरी मिर्च काट लेती हूँ। हरी मिर्च में मैंने धो के रख लिया था हरी मिर्च, इसे भी छोटे छोटे काटना है, बारीक, ज़्यादा मोटी नहीं काटना है। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इसमें बीज ज़्यादा मोटी नहीं है। जिसमें बीज ज़्यादा मोटी रहती है वो मिर्ची बहुत तीखी रहती है। प्याज मिर्ची हमारी कट गई है। अब सबसे पहले अंडे को फेंट लेते हैं तोड़ के। एक मैंने बाउल ले लिया है, इसी में अंडे तोड़ेंगे। अब अंडे को फेंट लेते हैं इसी में फोड़ के। सारे अंडे इसी तरीके से डाल लूंगी। अंडे मैंने तोड़ लिया 5 के 5। आपको जितने अंडे के बना चाहिए उतने अंडे के आप बना सकते हैं, 2 अंडे के 3 अंडे के 4 अंडे के। मैंने 5 अंडे लिया है। ये फोक से हम फेंट लेते हैं अंडे को, चम्मच से अच्छे से नहीं फेंटता है। इसमें ये दांत होते हैं ना, तो अच्छे से अंडे मिक्स हो जाता है। पहले अंडे को फेंट लेते हैं। देखिए गाइस, अंडा हमारा अच्छे से फेंट गया है, ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको साइड में रखते हैं, चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ाते हैं। देखिए गाइस, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया छोटी। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, हल्का सा प्याज को फ्राई कर लेते हैं, प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद में बनाएंगे आमलेट। थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया है, तेल डाल दिया। अब ये गर्म हो जाए, आप चाहो तो बटर में फ्राई कर सकते हो। थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का सा कलर चेंज होगा, उसके बाद में दिखा। अब ये तेल गर्म हो गया है, प्याज डाल देती हूँ, प्याज हरी मिर्ची दोनों साथ में। अब इसको हल्का हल्का भून लेते हैं, हल्की सी प्याज हमारी सॉफ्ट हो जाए। इसे कच्ची डालोगे आमलेट में तो आमलेट ज़्यादा मीठा लगता है, इससे ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा। हल्की प्याज हमारी सिक जाए। आप इस तरीके से बनाओगे गए, प्याज को फ्राई करके, हल्का सा फ्राई करके फिर बनाओ, उसके बाद में आमलेट टूटता नहीं है पलटते समय, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, आसानी से पलट जाएगा। देखिए गाइस, अब ये ठंडा हो गया है। मैंने टमाटर भी सॉफ्ट कर लिया था प्याज में डाल के। अब डाल देती हूँ बैटर में। इसको बिल्कुल ठंडा करके डालना है, वरना आमलेट पहले ही बन जाएगा। अब इसमें कुछ मसाले डाल देती हूँ। कुटी हुई काली मिर्च है 1/2 चम्मच। हल्का सा गरम मसाला लिया है भुना हुआ, ये भी डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धारी धनिया डाल देती हूँ, बारीक काट लिया है। नमक डाल देती हूँ थोड़ा सा, मैंने 1/2 चम्मच से कम ही लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। पहले चेक करके, पहले अंडे में ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने थोड़ा बचा दिया है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ऑमलेट में ज़्यादा नमक तेज अच्छा नहीं लगता है। अब इसे फेंट लेती हूँ अच्छे से, फिर से एक बार सारे मसाले हमारे मिक्स हो जाए अच्छे से। प्याज टमाटर सारा सॉफ्ट हो गया है, इसे अंडे को ऑमलेट फटता नहीं है, टूटता नहीं है। इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है।
देखिए गाइस मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिए हैं, अब ये बैटर डाल देती हूँ फेटा हुआ। अब ये पलटने वाला हो जाए फिर दिखाते हैं आपको, एक साइड से हो जाए नीचे से। अब इसको ढक देते हैं एक मिनट के लिए, अभी इसको पलटेंगे। देखिए गाइस अब इसको पलट लेते हैं, एक साइड से हो गया नीचे से, प्लेट लगा के इसको पलट लेते हैं। देखिए गाइस आमलेट को पलट दिए हैं, अब इसको फिर से ढक देते हैं। देखिए गाइस आमलेट हमारा तैयार हो गया है, कितना अच्छा ये फूला है, बिल्कुल मोटा पीस बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल केक की तरह। गैस को बंद कर दूंगी, गैस मैंने बंद कर दिया है, ये तैयार है। देखिए गाइस आमलेट हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बहुत ही टेस्टी बना है माशाल्लाह। आप देख सकते हो मैंने एक पीस काट लिया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आपके घर में कोई सब्जी ना हो तो अंडे रखे हो तो आप बना के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी बना माशाल्लाह ये अंदर से भी हो गया अच्छे से। वीडियो हमारी अच्छी लगी गई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।